हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोटी कबाब बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल अंदाज में और इसका जो टेस्ट है वो एकदम लाजवाब है। तो आइए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बोटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोटी कबाब का मसाला तैयार करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ साबुत मसाले। तो यहाँ पे लिया है एक बड़ी इलायची, 1/4 लिया है जायफल का टुकड़ा, 4 से 5 लेंगे छोटी इलायची, 2 इंच का लेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 15 से 20 ली हैं काली मिर्चें, 1 लिया है जायफल का फूल और 1 टीस्पून भर के लिया है ज़ीरा। इन सब मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी, जब तक इन मसालों में एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। आप चाहें तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, मगर उसको एकदम लास्ट में ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि नारियल का बुरादा जो होता है वो बहुत जल्दी से काला पड़ जाता है। तो जब हम 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप बस 15 सेकेंड के लिए ही नारियल के बुरादे को ड्राई रोस्ट कीजिएगा, मगर मैं यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मैं इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक मिक्सी में कन्वर्ट करूँगी और इसका एक दरदरा सा पेस्ट यहाँ पे बना लूँगी इस तरीके से, और इस मसाले को साइड में रखूँगी। तो बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 350 ग्राम छोटी बोटी का गोश्त और 150 ग्राम लिया है इसमें कलेजी। इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस आप बनवाइएगा जब बोटी कबाब आप बनाने चलिएगा। आप चाहें तो इसे टोटल गोश्त में भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसको दिल, कलेजी और गोश्त के साथ बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस गोश्त में आप 10% फैट ज़रूर से रखवाइएगा, तभी जो बोटी कबाब होता है उसका टेस्ट आता है। तो इसको मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद के स्ट्रेनर के ऊपर इसका पानी सब निकाल दिया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूँगी 1/3 कप कच्चा पपीता, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, तो इसको आप ज़रूर से यहाँ पे ऐड कीजिएगा। इसी के साथ साथ जो साबुत मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ पूरा का पूरा। साथ साथ यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन, जिसको कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था एक पैन के ऊपर। आप यहाँ पे चने भी डाल सकते हैं ग्राइंड करके। साथ साथ यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको कि गोल्डन ब्राउन कर लिया था और इसको ग्राइंड करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तो यहाँ पे प्याज को भी ऐड करके डालूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। 100 ग्राम दही डालेंगे, जिसको कि मैंने यहाँ पे बीट कर लिया था। 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लिया है, तो सारी चीज़ें इसमें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, तो इसको मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, तो इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा, और आप चाहें तो इसी मोमेंट पे इसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, उसके बाद इसको मैरिनेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है हमारे बोटी कबाब में। तो यहाँ पर बोटी कबाब को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है, और मैरिनेशन के बाद मैंने एक कुकर में ले लिया है 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में इसका जो टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तो इस तेल को करना होगा खूब अच्छे से गर्म। जब तेल यहाँ पे अच्छा गर्म हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं 2 तेज़पत्ते, 2 से 3 डालेंगे काली मिर्च, 2 डालेंगे छोटी इलायची, 2 इंच का डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 1 डालेंगे बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा, और इन सब मसालों को 30 सेकेंड के लिए क्रैकल होने देंगे। तो यहाँ पे 30 सेकेंड मसालों को क्रैकल करने के बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे बोटी कबाब, जो कि हमने मैरिनेट करके रखे थे उसको। तो अब हमने यहाँ पर बोटी कबाब को ऐड कर दिया है, और अब हम बोटी कबाब को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनेंगे।
और इसी बीच में यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ बोटी कबाब को कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी मैं यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को मैरिनेशन के टाइम पे भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था तो मैं इसको यहाँ पे अभी डाल दे रही हूँ। तो 7 से 8 मिनट भूनने के बाद हम देख सकते हैं कि जो तेल है वो सरफेस पे आने लगा है। तो इसी मोमेंट पे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 100 ml यानी कि हाफ कप पानी। इसमें कम ही पानी पड़ता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 100 ml ही डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसी में लगा देंगे प्रेशर कुकर के लिड। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 25 मिनट के लिए पकाएंगे। 25 मिनट बाद हम प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर हो चुका है नेचुरली रिलीज़, तो अब हम इसके लेड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे। और आप यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर बोटी कबाब को और भून लेंगे, क्योंकि बोटी कबाब जो होता है वो भुना भुना होता है। और इसी मोमेंट पे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 1 नींबू का रस और मुश्किल से इसको 1 से 2 मिनट के लिए और इस तरीके से भूनूंगी। तो इसी मोमेंट पे आप यहाँ पे नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने बोटी कबाब को थोड़ा पतला ही रखा है। अगर आप चाहें तो इसे खुश भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पतला या गाढ़ा। और लास्ट में मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत इन्हांस होगा। और यहीं पे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और बोटी कबाब हमारा बनके एकदम तैयार हो गया है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो ये लीजिए, बोटी कबाब एकदम बन के तैयार हो गया है और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, कुलचे के साथ। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और एकदम परफेक्ट रेसिपी है इस बकरीद के लिए। तो आप इसको एक बार मेरे मेथड से ज़रूर से बनाइए, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार मेरे मेथड से बनाया तो आप ज़रूर से इसको बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।